सूरत में एक साइबर क्राइम की टीम ने बजाज फाइनेंस के नाम से सोशल मीडिया पर फेसबुक अकाउंट पेज बनाने के लिए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से मोबाइल और नकदी भी जब्त की गई है। बजाज फाइनेंस के ग्राहकों को ओटीपी और ईएमआई नंबर के हड़पने के लिए लालच और स्कीमों के जरिए फंसाया जाता था। आरोपी वारदात को अंजाम दे रहे थे। सूरत साइबर अपराध में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायत के आधार पर साइबर अपराध टीम द्वारा जांच की गई थी। साइबर क्राइम ने दर्ज शिकायत के अनुसार कुछ लोगों ने बजाज फाइनेंस के नाम से एक सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पेज बनाया था, जिस पर लालच और नई स्कीम दिखाकर लोन लेने की घोषणा की गई थी, जहाँ कुछ ग्राहकों ने संपर्क किया और उनसे ईएमआई का कार्ड नंबर और ओटीपी नंबर जब्त किया गया। ग्राहकों के कार्ड और ओटीपी नंबर के आधार पर बजाज के कार्ड पर ऑनलाइन लोन लेकर मोबाइल खरीदा गया था। ये ठगी के शिकार हुए पीड़ित ग्राहकों ने भी पहले शिकायत करने के लिए बजाज फाइनेंस और फिर साइबर क्राइम से संपर्क किया था, जिसमें तहत साइबर क्राइम पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की जाँच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 इंडिया।